नमस्कार। चलिए आज हम नमकीन बनाते हैं। तो नमकीन हम आज को तीन तीन तरीके से बनाएंगे कि कैसे कैसे डिजाइन के बनते हैं। तो ये तो मैंने ये तीन कप मैंने मैदा लिया है, कस्तूरी मेथी, अजवाइन, मंगरेल और नमक डाल देते हैं। और घी डाल देते हैं इसमें और अच्छे से इसको आटे में मसल देते हैं। इतना मिक्स कर लीजिए गुठली, देखिए अच्छी तरीके से आटे में घी को इतना मसलने के अब्जॉर्ब कर ले आटा और घी। देखिए इस तरह से बांध लेते, इसका तब आटा और घी अब्जॉर्ब कर लिया है, अभी बन रहा है। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा तैयार कर लेते हैं गूंद के। देखिए हल्का हल्का आटा जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उसे थोड़ा हार्ड हम आटा इसका बनाएंगे। तो देखिए आटा हमारा गूंद गया है, अच्छी तरह से हम और गूंद लेते हैं जिसके अच्छी तरह से आटा गूंद जाए। थोड़ा हम लोई बना लिया है, अब इसको हम बेलेंगे। ना पतला ना मोटा, मीडियम रखेंगे रोटी, जैसे हम इसको बेल लेते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है तो बनाना है और आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि आप बनाइए इसी तरीके से। अब हम चाकू से पतले पतले स्लाइसेस कर लेते हैं इस तरीके से। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने बना लिया है और अलग प्लेट में अलग अलग रख लेते हैं। फिर मैं अब दूसरा बता रही हूँ, इस तरीके से भी नमकीन का डिज़ाइन बनता है, शेप बनता है इस तरीके से। अब मैं दूसरा बता रही हूँ, ये रोटी की जैसे बेल लिया है उसको पलट देंगे, फिर इसको घी लगा देंगे, फिर पलट देंगे, फिर इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। उसके बाद चम्मच के सहारे इस तरीके से हम फोकते हैं। तो इस तरह हम मैंने बना लिया है, फिर दो बना लिया मैंने इस तरीके से हम बना ले रहे हैं। और फ्रॉक से हम इसका छेद कर देंगे इस तरीके से। पीली रुचि मैंने बना लिया है। तो ये देखिए मैं तेल हमारा गर्म हो रहा है और इसे हम डालकर फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, फिर गैस को हम लो कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए कितना सुंदर कितना बढ़िया लग रहा है नमकीन, इसको मठरी बोलिए नमकीन बोलिए। अच्छी तरह से हम इसको चला लेते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म फ्राई हो जाएगा, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, तब तो हम नमकीन को निकालेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया। देखिए मैं आपको बताई थी तीन तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसी तरह से मठरी बोलिए या नमकीन बोलिए इसी को बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने तीन ये बनाया और बाकी पत्ते पत्ते इस तरह से बना कर भी स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाय के साथ या ऐसे कहीं सफर में जा रहे तो बना के भी खा सकते हैं। अभी होली आ रहा है त्यौहार, तो इस तरीके से मतलब मैं आपको तोड़ कर मैं दिखा रही हूँ क्रश करके। ये देखिए कितना सुंदर है, कितना बढ़िया नरम हो रखा है, कुरकुरा हो रखा है, जो टूट गया। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, होली इंजॉय करिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप तो सब्सक्राइब पक्का करिए कि जो भी वीडियो हम डाल और सब्सक्राइब करिए और अपना सुझाव अपना कमेंट पक्का बताइए। और हैप्पी होली और इन्जॉय करिए और बनाइए और खाइए।